एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज आर न्यूज स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आज आप एक छोटे से गायक समझाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक गाता है। इस बंदे को कोई जानता नहीं है, लेकिन आपको एक परिचय कराऊँ गायक से, बहुत ही छोटा सा गायक है। क्या नाम पड़ेगा भाई? गायक सबसे पहले अपने चैनल पर प्रणाम करते हैं। हम शिवानी आप एल्बम भी गए? कोई एल्बम आपका है? एल्बम एक गाना आया है। कौन सा गाना है वो? मैं देवी गीत है कि मैंने कुछ देवी गीत है नौमी का, थोड़ा उसको गुनगा सकते हैं, ठोका सकते हैं। हाँ, बालक नादान कवन कहिले बाट कमी, बालक नादान कवन कहिले बाट कमी, ए माई आई ना, ए माई आई ना नौमी घरे कंसे मानी, ए माई आई ना नौमी घरे कैसे मानी। अभी तो आपका पढ़ने का उम्र है, लेकिन गायकी लाइन क्यों चुने? गायकी लाइन में जानते हैं कि भोजपुरी का लाइन कैसा है, आप देखते होंगे वीडियो वीडियो सब देखते होंगे, कैसा लाइन है जानते होंगे। एक संगीत का कला है, हर कला को करना चाहिए, पढ़ते भी हैं हम। लेकिन भोजपुरी क्यों चुने? भोजपुरी में जानते हैं कि अश्लील बहुत ज़्यादा है भोजपुरी में, इसमें अश्लीलता बहुत चरम सीमा पर है भोजपुरी का। लेकिन आप इतने छोटे से गायक, अभी आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र बारह, अभी 12 साल के हैं, लेकिन भोजपुरी लाइन चुन लिया, आखिर क्यों? आप जानते हैं कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लील है। अश्लील हम सब नहीं है, अश्लील गायक में नहीं होता है। कौन होता? मैंने गायक को तो गाना गाता है, कौन होता है? जनता में होता है। मैंने आप गाना ही नहीं गाएंगे तब अब जनता कैसे सुनेगी? असली गाना ही जब नहीं गाएंगे तो हम गा रहे तो जनता को भी समझ में आएगा कि जनता क्यों सुन रही है इसको। अभी आपको कोई प्रोग्राम हुआ है कहीं? कुछ प्रोग्राम तो बहुत जगह हुआ है। कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुआ है? अभी आपको कोई नहीं जानता, हम भी आपको नहीं जानते, तो आपको मुलाकात हो गई तो आपको बना दीजिए। शाहपुर आरा बलिया छपरा, आरा में भी गए हैं, शाहपुर आरा बलिया में गए, लेकिन आपको कोई नहीं जानता अभी तक? नहीं, उधर सब पहचानते हैं, उधर उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए हमको पहचानता है सब। मैंने आपका बिहार में गाँव है, उत्तर प्रदेश को पहचानता है, ऐसा क्यों? अब उधर ही जाता प्रोग्राम होता है तो कहाँ पहचानेंगे? यहाँ पर प्रोग्राम आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई नहीं बुलाता है, कुछ जानेंगे तभी ना। अब जहाँ लोग प्रोग्राम करवाएंगे वहीं पर ना अपने से नहीं चले जाएंगे तब। आखिर बिहार में प्रोग्राम क्यों नहीं? तब आप घर कहाँ पड़ेगा? हमारा घर चौसाकट घरवा पड़ेगा। आखिर चौसे के यहाँ लगे, आपको चौसे के लोग नहीं जानते हैं? आप कह रहे हैं कि आरा जाते हैं, बलिया जाते हैं, फिर वहाँ अलग अलग जगह पर प्रोग्राम कर जाते हैं, लेकिन बिहार के लोग नहीं जानते हैं, आप कैसा क्यों? अब जनता के ऊपर है। आप कितना गाना गाए अभी तक? बहुत गाना गा चुके हैं, मगर एल्बम हम ज़्यादा नहीं निकालते हैं। स्टेज शो करते हैं क्या आप? यस। स्टेज शो कहाँ कहाँ हुआ अभी तक? बहुत जगह, आरा बलिया छपरा, छपरा में तो बहुत हुआ है, छपरा उत्तर प्रदेश में। किस 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 साथ प्रोग्राम कर चुके हैं अभी तक आप? कमल बास, गौर अभियंता, लंगड़, बहुत कलाकार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, ये इनके साथ भी हुआ है। शिवानी सिंह के साथ हुआ है, शिल्पी राज के साथ हुआ है। शिल्पी राज के साथ भी हुआ है, जो भोजपुरी के बहुत सुपर प्रसिद्ध गायिका इस समय है। हाँ, लेकिन अभी तक आप ये साइकिल से घूम रहे हैं क्यों? इसी तरह मतलब कभी कभी अगर घर पर रहते तो इसी तरह घूमते रहते कभी। मैंने शिल्पी के साथ तो गाना गा देता, जो स्टेज शो प्रोग्राम करते वो वायरल हुआ था, इस समय यूट्यूब पर सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अभी तक आपको कोई नहीं जानता है? जानता है के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में चले जाइए हमको कहीं। आखिर पैसा वैसा नहीं मिलता है क्या स्टेज प्रोग्राम करने के लिए? मिलता है। जब स्टेज शो प्रोग्राम करने के पैसा मिलता आप बहुत ऊपर बहुत आगे तक जाते ऐसा क्यों? इसी तरह कोई एक सीढ़ी नहीं चढ़ जाएगा। शिल्पी राज के साथ कर रहे हैं प्रोग्राम किए हैं, शिवानी के साथ प्रोग्राम किए हैं, शिवानी सिंह आज शिल्पी राज जिसमें वायरल गायिका है, और उसके साथ आप प्रोग्राम किए ताकि हर कोई जान जाता, क्योंकि इसी समय सोशल मीडिया यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस समय रील्स के माध्यम से आप लोग को सब यहाँ जनता जान जाती है, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ बताइए। अब ये गोला पर जाकर के हनुमान मंदिर में अपना प्रोग्राम देता है। कैसा गाना गाता है? बहुत फर्स्ट क्लास इसका गाना है। अभी भी भोजपुरी के मार्केट में नहीं आया, शिल्पी राज के जो दो सात गाना गाए थे वो मार्केट में जाता है, लेकिन हम हर मंगलवार को इसका गाना सुनते हैं, आर्मी के सुबेदार साहब हम हैं और गाना सुनते हैं, और इसका गाना बहुत बढ़िया होता है और साज बात के साथ होता है, हम भी हर मंगलवार को जाते हैं। इस लड़का को जो है तो यूट्यूब में आया है न आए उसकी अलग बात है, लेकिन इसका जो है गाना और प्रोग्राम चलते रहता है। मम्मी अभी भी भोजपुरी के मार्केट में दुनिया में अभी ऊपर नहीं पहुंच पाया, ऐसा कि भोजपुरी मार्केट ही अश्लील है या भोजपुरी के लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं? लेकिन जो है हमारे देखने से और हमारे बात सुनने पर हम क्या कहना चाहते हैं, ये लड़का कह रहा है कि शिल्पी सिंह है ना, शिल्पी राज शिवानी सिंह है,
शिल्पी राज शिवानी सिंह पूंछ के साथ गाना गाती है और उसके साथ ये गाना गा चुका है, लेकिन अभी तक इसको जो मार्केट है मार्केट भोजपुरी नहीं बना पाया। ऐसा क्यों, मैंने आगे भोजपुरी के लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या खुद सब बढ़ाना नहीं बनाना चाहते हैं? ये लड़का मेहनत भी करता है और बनाना भी चाहते हैं लोग, लेकिन अब क्या दिक्कत है अब हम लोग तो नहीं बता पाएंगे इस चीज को, लेकिन इस लड़का को हमारे हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब भोजपुरी के जो पब्लिक गाना सुनते हैं, जो भोजपुरी के फैन, उनसे क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आप सब हम लोगों का देश को जो रहा हो रहा है वो सब सुने, और आप मतलब जितना भी चैनल है उसको सब्सक्राइब लाइक से और मतलब जितना भी करिए हमको आगे बढ़ाइए। अभी तक आपका एक ही एल्बम आया, ऐसा कि मैंने पैसे की कमी है ना आपके घर परिवार की? नहीं, हम यूट्यूब पर कह रहे हैं कि हम यूट्यूब पर नहीं गाते हैं ज़्यादा इस समय, तो कोई दुनिया नहीं। जैसे मान लीजिए शिल्पी राज के साथ गाना गाना स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पर खुद कितने सारे यूट्यूबर वहाँ पर आते हैं, आपको भी वीडियो बनाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, जब साथ में गाना गाते हैं तो इतना अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? इतना यूट्यूबर नहीं फोन चलाते हैं, जानते हैं कि गायक ऐसे हो जाएगा, तो इसीलिए ये है कितना लोग चढ़ाया है। कौन कौन? हम तो नहीं जानते अभी तो। भोजपुरी भी भोर पर देखिए, वो भी चढ़ाए। कौन कौन चैनल? भोजपुरी भी भोर, पुष्पा फिल्म, मतलब पुष्पा फिल्म, पुष्पा फिल्म आपका वीडियो है, पुष्पा फिल्म चैनल है। आगे क्या आपका प्रोग्राम है? आगे 26 तारीख को है रोहतास में पड़ जाएगा, शिवानी सिंह, विशाल गगन और मेरा सारा। विशाल गगन भी आ रहे हैं वहाँ पे? हाँ, विशाल गगन साथ आपको कोई इससे पहले हुआ था? नहीं, अभी नहीं हुआ है। पहला पर हो रहा है? हाँ। आपको उम्र अभी कितना हो रहा है? 12। अभी आगे भी भोजपुरी की दुनिया में जाएंगे कि आगे भी अपना फील्ड चेंज करेंगे? आगे भोजपुरी की दुनिया में ही चल रहे हैं। भोजपुरी के फैन से क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी आप मीडियम परिवार के हैं, आप किस चीज़ से मतलब बताओ? मैंने जो अच्छा गाए, अच्छा मतलब क्वालिटी दिखाए, जो अच्छा रियल रोल करे, वही ना आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल पर बोले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे संपर्क करना चाहेंगे, हम आगे भी आपका स्टेज प्रोग्राम कराएंगे। ऐसे ही न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर बोलो। आपके पास मोबाइल है? हाँ। आप अपना नंबर बोल दीजिए, किसी को स्टेज प्रोग्राम करवाना है। 87098686।